तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट में बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे थे कि सर हमको ये बताइए कि जो हमने 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा की हैं वह वापस होंगे कि नहीं होंगे अगर हमारी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली तो। एंड दोस्तों, आपका और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट कर दिया, सेकेंड राउंड में काउंसिलिंग कराया, तो क्या हमको फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज जो ब्रांच मिली है वह हमको दोबारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो क्या होगा। और आपने जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में अगर फ्लॉट कराया, सेकेंड राउंड में हमको कोई कॉलेज मिला वो भी हमारी मन पसंद का नहीं है, फिर हम फ्लॉट करना चाहते हैं, तो क्या हमको फिर से 3,000 रुपये देने पड़ेंगे क्या। तो बहुत सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चंस का दोस्तों जो आपको आंसर है आज के इस वीडियो मिलने वाला है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं दोस्तों अभी तक आपसे कभी भी इतना प्रेशराइज नहीं किया हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जहाँ भी जितने भी ग्रुप हैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सबको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके नीचे और भी अपने क्वेश्चन करिए। तो चलिए, अब कोई भी बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और यहाँ पर देखिए यूपी पॉलिटेक्निक काउंसिलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब पूछेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पर जीकब ने इस बार एक चीज की थी कि यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो जितने भी दोस्तों मुझे क्वेश्चन के आंसर पता थे वह तो आपको बताने ही वाला हूँ, और जो हमको आंसर नहीं पता थे उनको मैंने क्या किया कि जीकब के जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर थे उन पर कॉल करके सब क्वेश्चंस को क्लियर किया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया, फ्लॉट कर दिया, 3,000 रुपये जमा कर दिए, आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराया, हमको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, हम फिर से फ्लॉट करना चाहते हैं, तो क्या हमको फिर से 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, आपको दोबारा से 3,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर फ्लॉट कर दिया, फर्स्ट राउंड में अगर आपने फ्लॉट किया तो आपने 3,000 रुपये जमा किए, आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तब भी आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो फिर से आप फ्लॉट करेंगे और आपको 3,000 जो रुपये हैं वह आपको नहीं देने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग पूछ रहे थे हमने 3,000 तो यहाँ दे दिए तो क्या हमको 3,000 फिर से देने पड़ेंगे, तो हमारे ऐसे 6,000 खर्च हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको देखिए, यहाँ पर अगर 3,000 रुपये पे कर दिए हैं तो यहाँ आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बाद में तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि 1 से 3 राउंड को अलग डिवाइड किया था, यहाँ पर भी 4 से 6 राउंड को अलग डिवाइड किया था, तो ये जो होगा आपका ये सिर्फ 3 राउंड तक वैलिड होगा। तो ये चीज यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी कि आप 3 राउंड तक उन्हीं 3,000 रुपये से फ्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा लिया है, अब हमको मनपसंद कॉलेज या फिर कुछ भी हमको नहीं मिला, तो क्या हमें यहाँ पर सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, आप सेकेंड और थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट 4th राउंड में जाके आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, एक आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, जो उम्मीद है कि आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं, वह है दोस्तों क्या हमको ये 3,000 रुपये वापस मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मेन रीजन इसका यही है कि क्या हमको 3,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, आपको 3,000 रुपये रिटर्न में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया, 3,000 रुपये आपने पे किए, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराए, चॉइस फिलिंग की सब कुछ आपने कर दिया, तो वहाँ पर फिर से दोस्तों आपको अपनी आपकी इच्छा का कॉलेज नहीं मिला, तो इन्हीं 3,000 रुपये से आप दोबारा फ्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये आप सोचे कि हमको वापस मिल जाए तो ऐसा नहीं है, ये आपके अकाउंट में दोबारा से वापस नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि चलो हम करा लेते हैं वापस तो आ ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ये है कि आपको सेकेंड राउंड में भी अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप दोबारा से तीसरे राउंड के लिए फिर से फ्लॉट कर सकते हैं इन्हीं 3,000 रुपये से। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया, अब हमको यहाँ पर कोई कॉलेज मिला और यहाँ पर ब्रांच मिल गई, चलिए ये मिल गई, हमने इसके लिए 3,000 रुपये पे कर दिए। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराया, यहाँ पर भी कोई कॉलेज और ब्रांच मिल गया,
फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन था क्या हम बाद में इसमें दोबारा से एडमिशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है जी हाँ, आपकी ये सीट जो है ये आपकी रिजर्व रहेगी, मतलब कि आप जाके बाद में इसमें भी एडमिशन करा सकते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपको सेकेंड राउंड में उससे भी खराब या फिर उससे भी दूर, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे हमारा जो कॉलेज है वह हमारे घर से 300 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, अगर आपको और दूर मिल जाता तो आप इसमें दोबारा से एडमिशन करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 3000 रुपये जो जमा किए हैं इसी के लिए जमा किए थे, आपने सीट अपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए ही जमा किए थे। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा। जैसे कि हमने उनसे पूछा था अगर सर मान लीजिए हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तब यहाँ पर क्या हम यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन है वह करा सकते हैं, तो उन्होंने बोला था हाँ आप करा सकते हैं, वहाँ पर आपको वो कुछ बताएंगे एप्लीकेशन वगैरह फिर आपको कुछ बताएंगे, तो वहाँ पर आप जो अपना वेरिफिकेशन है वह आप करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपका यहाँ पर कमेंट और आया था कि यदि हमारे पास TC नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपको जो TC की ज़रूरत पड़ेगी वह आपके एडमिशन के टाइम पड़ेगी, जब आप एडमिशन कराएंगे तब आपको TC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास TC नहीं है तो कोई भी यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है, वहाँ पर जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन आप लगा देंगे, आप उसमें लिख देंगे कि हम आने वाले 10 से 15 दिनों में TC का इंतजाम करके कॉलेज में TC लगा देंगे, तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। तो वहाँ पर आपकी अगर TC नहीं है तब भी वहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों और भी जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि सर यहाँ पर हमने क्या किया कि सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये जमा कर दी, तो क्या हम दोस्तों और क्या सर हम यहाँ पर और नई ब्रांच सेकेंड राउंड में फ्लॉट करने के बाद, फर्स्ट राउंड में फ्लॉट करने के बाद क्या और नई ब्रांचें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है यस। मैंने ये भी क्वेश्चन उनसे पूछा था कि सर जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर काउंसलिंग कराया और यहाँ पर हमारी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और हमने जो यहाँ पर चॉइस फिल की थी उनको सेकेंड राउंड में ऐड और रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्हें बोला बिल्कुल आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है जितने भी आपके क्वेश्चन थे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, जितने भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन थे सब आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और यदि आपके क्लियर हो गए हैं तो आपको क्या करना है, हमको कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, हम आपको बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं जो बताना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आपको यूजर नेम बता देता हूं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यूजर नेम आप यहां पर देखिए अनिल कुशवाहा _82, तो ये हमारा यूजर नेम है, तो इस पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, कई लोगों ने मैसेज पे पूछा है उनका, मैंने यहां पर जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर किया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको सभी जितने भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।